महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन ने आमने सामने युद्ध किया था। कर्ण के पास परशुराम द्वारा दिया गया विजय धनुष था, तो अर्जुन के पास माया सूर्या अग्निदेव के द्वारा दिया गया गांडीव धनुष। दोनों ही महायोद्धा थे, दोनों के ही तर्कस में सभी तरह के दिव्यास्त्र थे, लेकिन कहते हैं कि कर्ण सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे। और ये भी कहते हैं कि कर्ण का धनुष अर्जुन के धनुष से कहीं ज्यादा बेहतर था। क्या ऐसा वास्तव में था? ये जानने के लिए आप हमारा वीडियो पूरा देखिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करना ना भूलिएगा। नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री फैक्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त रतन सिंह। तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना देर किए। गांडीव धनुष अर्जुन के पास कैसे आया और इसे किस तरह बनाया गया, इस संबंध में दो तीन तरह की कथाएं प्रचलित हैं। कहते हैं कि ऋषि दधीचि की हड्डी से यह धनुष बनाया गया था, जबकि एक अन्य कथा के अनुसार यह कर्ण व ऋषि की तपस्या के दौरान शरीर पर दीमक द्वारा बाम्बी बना दिए जाने के बाद उस बाम्बी में सुंदर और गटीले बांस उगाए थे। जब कर्ण व ऋषि की तपस्या पूर्ण हुई तो ब्रह्मा जी की सलाह पर उस बांस से तीन धनुष बनाए गए, पहला पिनाक, दूसरा सारंग और तीसरा गांडीव। गांडीव धनुष वरुण देव के पास था, जिसे उन्होंने अग्निदेव को दे दिया था। अग्निदेव ने अर्जुन को दे दिया था, जबकि एक दूसरी कथा के अनुसार खांडव वन में इंद्रप्रस्थ बनाने के दौरान यह धनुष मायासुर ने अर्जुन को देते हुए इसका इतिहास बताया था। जो भी हो, यह धनुष और इसका तर्कस चमत्कारिक या कहे कि दिव्य था। अर्जुन के धनुष की टंकार से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। रथ पर सवार कृष्ण और अर्जुन को देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से उतर गए थे। इस धनुष का तर्कश अक्षय था। इस तर्कश के बाण कभी समाप्त नहीं होते थे, कुछ बाण तो लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। यह धनुष देव दानव तथा गंधर्वों से अनंत वर्षों तक पूजित रहा था। वह किसी शस्त्र से नष्ट नहीं हो सकता था तथा अन्य लाख धनुषों का सामना कर सकता था। जो भी इसे धारण करता था उसमें शक्ति का संचार हो जाता था। अर्जुन इस धनुष के बल पर पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, ब्रह्मास्त्र छोड़ सकते थे। विजय धनुष। विजय धनुष धारण करने के कारण कर्ण को विजयधारी कहा जाता था। कर्ण का धनुष अर्जुन के धनुष से इसलिए श्रेष्ठ था क्योंकि जब वे तीर चलाते थे और उनका तीर अर्जुन के रथ पर लग जाता था तो रथ पीछे कुछ दूरी तक खिसक जाता था। उस वक्त श्री कृष्ण कर्ण की बहुत तारीफ करते थे। जब अर्जुन तीर चलाते थे तो कर्ण का रथ बहुत दूर तक पीछे खिसक जाता था। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि मेरे तीर से कर्ण का रथ बहुत दूर तक चला जाता है, जबकि उसके तीर से मेरा रथ कुछ कदम ही जाता है, फिर भी आप मेरी नहीं उस कर्ण की क्यों तारीफ करते हैं? इस सवाल के जवाब में श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे रथ पर हनुमान जी स्वयं विराजमान हैं और मैं भी बैठा हूँ, फिर भी कर्ण के तीर में इतनी क्षमता है कि वह हमारे रथ को कुछ कदम पीछे धकेल देता है। सोचो, यदि हनुमान जी और मैं इस रथ से उतर जाए तो क्या होगा? अर्जुन उनकी बात समझ जाता है। कृष्ण ने यह भी कहा था कि जब तक कर्ण के हाथ में उसका विजय धनुष है, तब तक तीनों लोकों के योद्धा एक साथ मिलकर भी कर्ण को नहीं हरा सकते हैं। कर्ण के धनुष में ऐसी खूबियां थी जो अर्जुन के गांडीव धनुष में नहीं थी। विजय एक ऐसा धनुष था कि किसी भी प्रकार के अस्त्र या शस्त्र से खंडित नहीं हो सकता था। इससे तीर छूटते ही भयानक ध्वनि उत्पन्न होती थी। कहते हैं कि कर्ण का विजय धनुष मंत्रों से इस प्रकार अभिमंत्रित था कि वह जिस भी योद्धा के हाथ में होता था उस योद्धा के चारों तरफ एक अभेद्य सा घेरा बना देता था, जिसे साधारण अस्त्र तोड़ भी नहीं सकते थे। मंत्रों से अभिमंत्रित होने के कारण उस विजय धनुष पर जिस भी बाण को रखकर चलाया जाता था उस बाण की ताकत उसकी वास्तविक ताकत से कई गुना बढ़ जाती थी। कहते हैं कि किसी धनुष के प्राण उसके प्रत्यंशा में होते हैं, और विजय धनुष की प्रत्यंचा इतनी मजबूत थी कि उसे दुनिया के किसी भी अस्त्र और शस्त्र से नहीं काटा जा सकता था। कहते हैं कि इस धनुष का निर्माण विश्वकर्मा जी ने तारकासुर राक्षस के तीन पुत्रों की नगरी त्रिपुरा का विनाश करने के लिए किया था। इसी धनुष से भगवान शिव ने अपना पाशुपतास्त्र चलाकर तीन नगरियों का एक साथ ध्वंस कर दिया था। उन तीनों असुरों की नगरी के विनाश के बाद भगवान शिव ने इस विजय धनुष को देवराज इंद्र को दे दिया था। देवराज इंद्र ने इस अद्भुत और शक्तिशाली धनुष से कई बार युद्ध में असुरों और राक्षसों का विनाश किया था। बाद में परशुराम ने हेहई वंशी क्षत्रियों के विनाश के लिए भगवान शंकर की तपस्या कर उनसे यह धनुष मांगा था। भगवान शंकर ने इस धनुष को इंद्र से लेकर परशुराम को दिया था। फिर जब कर्ण ने झूठ बोलकर भगवान परशुराम से यहाँ धनुर्विद्या और ब्रह्मास्त्र चलाने की शिक्षा ली, और जब परशुराम को इसका पता चला तो उन्होंने कहा कि जब वक्त पड़ेगा तब तू यह विद्या भूल जाएगा,
फिर बाद में परशुराम को दया आई तो उन्होंने यह विजय धनुष देकर आशीर्वाद भी दिया था कि तुम्हारी अमिट प्रसिद्धि रहेगी। महारथी कर्ण को महाभारत में तब तक नहीं मारा जा सकता था जब तक कि उसके हाथ में वह धनुष था। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के 70वें दिन जब कर्ण कौरवों की सेना का सेनापति था तब उसने अर्जुन से युद्ध करने के लिए पहली बार अपना विजय धनुष हाथ में उठाया था। कर्ण और अर्जुन का भयानक युद्ध हुआ लेकिन युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल रहा था बल्कि अर्जुन के सारे प्रयास विफल होते जा रहे थे। लेकिन श्रापवश महारथी कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धस जाता है। तब महारथी कर्ण अपने विजय धनुष को रथ में ही छोड़कर गड्ढे में फंसे रथ के पहिये को निकालने लगे। बस यही वक्त था जब महारथी कर्ण का वध किया जा सकता था। तब श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने निहत्थे कर्ण पर तीर चला दिया। भगवान श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि यदि यह मौका छूके तो फिर अर्जुन को बचाना मुश्किल होगा, इसलिए उन्होंने यह कठिन फैसला तुरंत ही लिया जो कि युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। वैसे भी सबसे पहले तो युद्ध के नियम कौरवों ने ही तोड़े थे निहत्थे अभिमन्यु को मारकर। यह वीडियो आपको कैसा लगा यह आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप किसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा मानते थे ये भी हमें कमेंट कर दीजिएगा, और आप किस योद्धा के धनुष को श्रेष्ठ मानते थे ये भी आप हमें कमेंट ही कीजिएगा। आप वीडियो को देखते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं इसका मतलब है कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और पास में आए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए।